और आज तक मजाक उड़ाया जा रहा है। एक सोशल साइंटिस्ट ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में उनका मजाक करते हुए सैफरन डेमोग्राफी कहकर मजाक उड़ाते हुए कहा कि सांप्रदायिकता फैलाने का यह उपक्रम था। और 2011 के जनगणना के बाद जनगणना कमिश्नर भारत सरकार के द्वारा नियुक्त था। जनगणना की प्रक्रिया 1872 में जैसे विश्व के अन्य भागों में चल रही है उस तरह से भारत में चल रहा है। जनगणना करने वाले सरकारी अधिकारी हैं जो घरों में जाकर जनगणना लाते हैं और उन्हें जब बता दिया कि हिंदू जनसंख्या कम हो गई और अखबारों ने हेडलाइन लगाया कि हिंदू डिप्स बिलो 80%, तो फिर उसका जो विश्लेषण शुरू हुआ कि फिर सैफरन कम्युनलिज्म है ये, अर्थात तुम कम होते जाओ और अपने अस्तित्व मिटते हुए अस्तित्व को छीनती हुई जमीन के बारे में चूर मत बोलो तो धर्मनिरपेक्षता है, और अपने अस्तित्व मिटते हुए अस्तित्व को छीनती हुई जमीन के बारे में चूर मत बोलो तो धर्मनिरपेक्षता है। मुझे एक टीवी चैनल पर एक पत्रकार ने कहा, मित्रों वह विषय था जब सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया था और सच्चर कमेटी ने उसमें लिखा था, इवन इफ मुस्लिम पॉपुलेशन बिकम्स मेजोरिटी इन द कंट्री हाउ डज इट मैटर। सरकार के द्वारा अधिकृत रूप से नियुक्त आयोग ने अपने रिपोर्ट में मोटे अक्षरों में लिखा है, इवन इफ मुस्लिम पॉपुलेशन बिकम्स मेजोरिटी हाउ डज इट मैटर। उसने मुझे वही सवाल पूछा कि अगर हो ही जाता तो क्या होगा। मैंने कहा आप यह डिबेट नहीं कर पाएंगे। यही सवाल 2011 के जनगणना के बाद मुझे एक चैनल पर पूछा गया, यदि मुस्लिम पॉपुलेशन अधिक हो जाएगा हो तो क्या होता। मैं कहा आज हम और आप स्वतंत्र रूप से ऐसा नहीं बोल पाते। मित्रों यह जीवन मूल्यों की लड़ाई है। जीवन मूल्यों की लड़ाई में यदि भारतीय इस्लाम इंडोनेशिया के इस्लाम की तरह होता जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति और विरासत को आत्मसात करते हुए अपनी पूजा पद्धति के अनुकूल काम करता तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, तब सिर्फ एक एक सवाल खड़ा होता, संसाधन बनाम जनसंख्या। देश के संसाधन और जनसंख्या की वृद्धि में के बीच जो अनुपात होना चाहिए वो अनुपात बना रहे, फिर किसके घर में कितने बच्चे पैदा होने की जगह सामूहिक रूप से उस जनसंख्या का हम विश्लेषण करते। लेकिन सिर्फ संसाधनों का ही सवाल नहीं उठता है, सवाल उठता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या जब बढ़ती है तो गुणात्मक परिवर्तन लाती है। वह गुणात्मक परिवर्तन क्या है इसका उदाहरण समझने के लिए हमें ना यूरोप का इतिहास पढ़ना है, ना हमें अफ्रीका के इतिहास को पलटना है, ना हमें लैटिन अमेरिका जाने की जरूरत है। भारतीय भूखंड के दो टुकड़े और हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। जब पाकिस्तान बना तो उसके संविधान सभा में मोहम्मद अली जिन्ना ने इतना अच्छा सेकुलरिज्म पर भाषण दिया, लेकिन उस भाषण का असर क्या हुआ कि वहां जब पाकिस्तान बना तो हिंदू जनसंख्या 2 डिजिट में थी, आज वो हिंदू जनसंख्या 1% के पास पहुंच गई। अगर पूजा पद्धति का पूर्ण अधिकार नहीं होता तो हम मान लेते, राजनीति में समान अवसर नहीं मिलता तो हम स्वीकार कर लेते, सामाजिक जीवन में समान अवसर नहीं मिलता वह भी हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन अस्तित्व ही मिट गया। कटास राज मंदिर भारत के लोग दर्शन के लिए जाते हैं, पाकिस्तान में दर्शन करने के लिए कोई बचा नहीं। अगर हिंदू प्रकृति की पूजा नहीं करता तो वह भी मिट जाता। हम तो घरों में कहीं केले के पेड़, कहीं पीपल के पेड़, कहीं आम के पत्ते, कहीं तुलसी के पौधे की पूजा करके अपनी अध्यात्म को जीवित रखते हैं। अगर हम मंदिर केंद्रित होते तो पाकिस्तान वह 1% हिंदू भी नहीं बसता। दूसरा राष्ट्र बांग्लादेश है।
मित्रों हाँ, एक एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो कि दुनिया में लागू रहता है, हर देश में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है। भारत में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत 2,00,000 करोड़ की संपत्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी दाव पेश लड़के वो 2,00,000 करोड़ की संपत्ति को पुनः वापस लेने की साजिश चल रही थी। और बांग्लादेश में उस शत्रु संपत्ति कानून के अधिनियम के तहत तमाम हिंदू परिवारों को जमीन जायदाद घर से वंचित कर दिया गया। वे भिखारी से भी बदतर स्थिति में, भिखारी को भीख मांगने का अधिकार होता है। बांग्लादेश के हिंदुओं को अपनी इज्जत आबरू बचाने का भी अधिकार नहीं। बांग्लादेश की हिंदू माताओं और बहनों को यह सुनिश्चित नहीं है कि अगले दिन सुबह वो उसी रूप में इज्जत के साथ समाज में रह पाएंगे। तो गुणात्मक परिवर्तन क्यों ऐसा हुआ, इसके दो कारण हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के दिन तक हम बौद्धिक रूप से सजग थे। उन्होंने जो विमर्श किया था, उन्होंने कहा विमर्श थियोलॉजिकल डिबेट होना चाहिए जिस समाज में मल्टीपल रिलीजन्स हों, उसमें किसकी संख्या कितनी है महत्वपूर्ण नहीं है। थियोलॉजी क्या कहता है, थियोलॉजिकल डिबेट। इस्लाम क्या कहता है, हिंदुइज्म क्या कहता है, क्रिश्चियनिटी क्या कहती है, ज्यूज क्या कहते हैं, जैन क्या कहता है, बौद्ध क्या कहता है, आने वाले नए धर्म क्या कहते हैं। मूर्ति पूजा का इस्लाम विरोध करता है तो हमारे यहां स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसका विरोध किया। लेकिन हमने विरोध एक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने के लिए नहीं किया। इसलिए 17 नवंबर 1869 को बनारस में 300 पंडितों के साथ स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। मूर्ति पूजकों के बीच में कोई स्वामी दयानंद सरस्वती पर पत्थर नहीं फेंकता, न ही स्वामी दयानंद सरस्वती किसी मूर्ति पर थूकने की बात करते हैं। वो तो दार्शनिक भाव है, जीवन पद्धति को प्रभावित करने का विमर्श है। इसलिए यदि इस्लाम को मूर्ति पूजा पसंद नहीं है तो आओ हिंदुइज्म के साथ डिबेट करो। बहुत ही सोची समझे तरीके से उस डिबेट को सत्यार्थ प्रकाश के बाद हिंदुओं की तरफ से वो डिबेट समाप्त हो गया। वो चाहते थे डिबेट नहीं हो, चूंकि उन्हें हिंदुओं के बीच में ही फलना फूलना है, हिंदुओं के बीच में ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी संख्या बढ़ानी है। चाहे संख्या धर्म परिवर्तन करके बढ़ाएं, संख्या आधुनिकता से दूर रहकर कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज नहीं कर सकते हैं। हम बच्चे को पृथ्वी से आने से रोक नहीं सकते हैं चूंकि हमारा धर्म नहीं कहता है। इन सभी मध्ययुगीन सोच को धर्म निरपेक्षता की आड़ में बनाए रखते हुए बढ़ाना हो, यह हमारे यहां सामंतवादी जातिवादी कारणों से प्रीत समाज को तोड़कर अपने में मिलाने की साजिश हो, इन सब के लिए आवश्यक था कि यह एक उक्ति चले, सर्वधर्म संभाव और सभी धर्म समान हैं, सभी धर्म शांति चाहते हैं, सभी धर्म मानवता का उत्थान चाहते हैं। यदि ऐसा ही होता तो ISIS क्यों बनता, यदि ऐसा ही होता तो तालिबान क्यों बनता, यदि ऐसा ही होता तो सीरिया में संकट क्यों होता। तो थियोलॉजिकल डिबेट को मारा गया। थियोलॉजिकल डिबेट के दो पार्ट होते हैं, एक तो धर्म के बिंदुओं पर सार्वजनिक बहस होना, उससे समाज की आंखें खुलती हैं, कोई प्रतीक्षात्मक होता है, कोई आगे बढ़ता है। कम से कम एग्जिस्टिंग हिंदू समाज जानना चाहता है कि महिलाओं के ऊपर तुम्हारी राय क्या है। इस्लाम में डिस्कोर्स कहां तक मित्रों आगे बढ़ गया, उसके लिटरेचर को पढ़ें। दे वांट टू कंट्रोल द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। दूसरा होता है डायलॉग, कम्युनिटी बेस्ड डायलॉग। जब थियोलॉजिकल डिबेट होगा और कम्युनिटी बेस्ड डायलॉग होगा, इससे खतरा क्या होता है, यही है भारतीयकरण। हम तर्क की ताकत में विश्वास करते हैं, ताकत की तर्क में विश्वास नहीं करते हैं। वे ताकत की तर्क में विश्वास करते हैं, तर्क की ताकत में विश्वास नहीं करते।
दो प्रकार की बौद्धिकता है। कहते हमारी ताकत है इसलिए हमारा तर्क है, हम इतने प्रतिशत हैं इसलिए हमें ये चाहिए, हमें रिजर्वेशन चाहिए, हम इतने प्रतिशत हैं। तो वायसराय के काउंसिल में 1861 में जब कहा गया कि एक हिंदू है एक मुसलमान, तो वायसराय से सवाल खड़ा करना चाहिए था तत्कालीन कांग्रेस को, किस आधार पर हिंदू मुसलमान कर दिया, या तो दोनों 50-50% है। जब जनसंख्या में यह संतुलन था तो एक मुसलमान क्यों, एक जैन क्यों नहीं, एक बौद्ध क्यों नहीं, एक सिख क्यों नहीं, एक ईसाई क्यों नहीं। उस दिन हमने गलती की, हमने स्वीकार कर लिया 1861 में वायसराय के काउंसिल में हिंदू के बराबर एक मुसलमान। इसीलिए लाला लाजपत राय ने मदन मोहन मालवीय को 1921 की जनगणना के बाद जो पत्र लिखा, उन्होंने कहा दे वांट टू टर्न हिंदू सोसाइटी एज इंपोर्टेंट, पॉलिटिकली इंपोर्टेंट। वो मुसलमान समाज को बराबर का महत्व देकर, हर जगह बराबर का महत्व देकर एक ऐसी राजनीतिक साजिश कर रहे हैं कि हिंदू समाज एक नपुंसक समाज, राजनीतिक रूप से नपुंसक बन जाए। तो क्या लाला लाजपत राय सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे थे? इन परिस्थितियों से हिंदू समाज को निकालते हुए जब हमने झक मार के 47वें विभाजन को स्वीकार कर लिया, हमने मान लिया कि जो हमसे गलती हुई उस गलती का को हम दोहराएंगे नहीं, तो मित्रों 84% की जनसंख्या 1961 में जो थी वह 79.8% पर कैसे पहुंच गई? इसका जवाब तो हमसे, हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा। इसका जवाब देने के लिए यूरोप का वायसराय के काउंसिल में रहे मरे हुए लोग नहीं आएंगे, इसका जवाब देने के लिए ओबामा नहीं आएगा, इसका जवाब देने के लिए किसी देवबंद का कोई विद्वान नहीं आएगा। आखिर वो 84% 79.8% पर कैसे पहुंच गए? इसीलिए यूएन मुखर्जी ने लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट एक पंक्ति उसने कही, एट द एंड ऑफ द ईयर They count their gains, we calculate our losses. साल का जब अंत होता है, जैसे एक व्यापारी दिवाली के दिन यह देखता है कितना साल में कमाया कितना खोया, वे कहते हैं देखो इतना बढ़ गए, और हम कहते हैं कैलकुलेट करते हैं कितना घटे, चलो इतना ही घटे। This is a continuous process. 1872 की पहली जनगणना के बाद से लेकर कोई एक अपवाद स्वरूप जनगणना नहीं हुई है जब हिंदू जनसंख्या घटी नहीं हो और मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी नहीं हो। तो सवाल उठता है कि क्या प्रतीकात्मक और विरोधात्मक शैली से इसका निदान होगा? मित्रों, ये प्रतीकात्मक विरोधात्मक शैली नहीं है। किस तरह से अगर हिंदू जनसंख्या 3% बढ़ गई होती या मुस्लिम जनसंख्या 4% घट गई होती, इस डिबेट इस देश में नहीं पूरे विश्व में डिबेट चलता किस तरह से मुस्लिम जनसंख्या के अस्तित्व को सैफरन पापर अस्तित्व को मिटाने में लगा हुआ है। इसका दो महत्वपूर्ण निदान है। पहला निदान उससे आता है जो विश्व के स्तर पर चिंता का विषय है। अमेरिका में पीव नाम की एक संस्था है, सर्वेक्षण के क्षेत्र में इस्लाम के अनुयायी भी उसके सर्वेक्षण को तथ्यात्मक विश्लेषणात्मक और वस्तुनिष्ठ मानते हैं, ऑब्जेक्टिव मानते हैं। इसलिए उसके शोध पर उसके निष्कर्ष पर सवाल खड़ा साधारणतया नहीं होता है। पीव नाम की संस्था ने अपने शोध के द्वारा जो फ्यूचरिस्टिक कैलकुलेशन किया है, जो कैलकुलेशन जिस प्रकार से यूएन मुखर्जी ने किया वो डेनियल ने 1891 में किया था भारत के बारे में, कि 2050 तक भारत में विश्व का सबसे अधिक मुस्लिम रहेंगे, विश्व में सबसे अधिक मुसलमानों की संख्या भारत में रहेगी,
और 2050 में पूरे विश्व की जनसंख्या के संतुलन में तब्दील हो जाएगा। ईसाइयों की जनसंख्या आज विश्व में सबसे अधिक है, उसका स्थान मुस्लिम जनसंख्या ले लेगी, क्योंकि सामान्य जनसंख्या ग्लोबल पॉपुलेशन का ग्रोथ 35% के रेट से होगा, मुस्लिम जनसंख्या 73% के रेट से वृद्धि होगी। मुस्लिमों की जनसंख्या 29.8% होगा, विश्व का हर तीसरा व्यक्ति मुसलमान होगा। इस पद्धति के कारण आज जो हमें करना है, जनसंख्या और पर्यावरण दो ऐसे विषय हैं जिसका सीधा संबंध मानवता के विकास से, अस्तित्व से और सुखमय जीवन से है। पर्यावरण में हिंदू पर्यावरण मुस्लिम पर्यावरण नहीं होता है, तो जनसंख्या में भी हिंदू जनसंख्या मुस्लिम जनसंख्या क्यों हो, जनसंख्या के प्रति देश की एक नीति हो। यदि हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक हो, उस पर किसी का फतवा नहीं होगा, उस पर एक ही फतवा होगा, वो संविधान का फतवा होगा।